जय गुरुदेव। सभी प्यारे बच्चों को आज की कक्षा में आपके अध्यापिका एलएनवी रमना की शुभ स्वागत। तुम कब जाओगे अतिथि, शरद जोशी द्वारा रचित व्यंग्य है। इसमें लंबे समय तक आसन मारकर बैठ जाने वाले अतिथियों पर कटाक्ष किया गया है। व्यंग्य का सार इस प्रकार है। लेखक के घर पर एक अतिथि 4 दिनों से रह रहा है, जिसे देखते हुए वे कहते हैं कि हे अतिथि, तुम्हें देखते ही मेरा बटुआ कांप गया था। फिर भी हमने भरसक मुस्कान के साथ तुम्हारा स्वागत किया था। रात के भोजन को मध्यम वर्गीय डिनर जैसा भारी भरकम बना दिया था। सोचा था कि तुम सुबह चले जाओगे, पर ऐसा नहीं हुआ। तुम यहाँ आराम से सिगरेट के छल्ले उड़ा रहे हो, उधर मैं तुम्हारे सामने कैलेंडर की तारीखें बदल बदल कर तुम्हें जाने का संकेत दे रहा हूँ। तीसरे दिन तुमने कपड़े धुलवाने की फरमाइश की। कपड़े धुल कर आ गए, लेकिन तुम नहीं गए। पत्नी ने सुना तो वो भी आंखें तरेरने लगी। चौथे दिन कपड़े धुल कर आ गए, फिर भी तुम डटे हुए हो। बातचीत के सभी विषय समाप्त हो गए हैं। दोनों अपने अपने में मग्न होकर पढ़ रहे हैं। सौहार्द समाप्त हो चला है। भावनाएं गालियां बनती जा रही हैं। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो चुकी है। अब भोजन में खिचड़ी बनने लगी है। घर को स्वीट होम कहा गया है, पर तुम्हारे होने से घर का स्वीटनेस खत्म हो गया है। अब तुम चले जाओ, वरना मुझे गेट आउट कहना पड़ेगा। यदि तुम अपने आप कल सुबह चले न गए तो मेरी सहनशीलता जवाब दे जाएगी। माना तुम देवता हो, किंतु मैं तो आदमी हूँ। मनुष्य और देवता ज्यादा देर साथ नहीं रह सकते, इसलिए अपना देवत्व सुरक्षित रहना चाहते हो तो कल सुबह चल न गए तो मेरा सहनशीलता जवाब दे जाएगी। माना तुम देवता हो, किंतु मैं तो आदमी हूँ। मनुष्य और देवता ज्यादा देर साथ नहीं रह सकते, इसलिए अपना देवत्व सुरक्षित रहना चाहते हो तो अपने आप विदा हो जाओ। तुम कब जाओगे अतिथि।